दोस्तों आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज या जानकारी को सिर्फ एक क्लिक के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को इतना सुविधाजनक बनाने का कार्य कौन करता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये सभी काम सैटेलाइट की मदद से किए जाते हैं। इंटरनेट से लेकर टीवी तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी सैटेलाइट की ही होती है। लेकिन कुछ साल काम करने के बाद सैटेलाइट खराब हो जाते हैं और उनकी जगह नए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अंतरिक्ष में सालों साल घूमने वाले सैटेलाइट को आखिर कहां फेंका जाता है और उसके मलबे के साथ क्या किया जाता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। धरती का चक्कर लगाते हुए सैटेलाइट आज के आधुनिक युग में नेट बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा सारा काम कर देते हैं। वहीं महामारी के इस दौर में ज्यादातर लोग घर बैठे ही अपना काम कर रहे थे। ये सारा काम सैटेलाइट की मदद से पूरा होता है जो अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ घूमती रहती है। इन सैटेलाइट को अलग अलग स्पेस सेंटर से कंट्रोल किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अगर आप स्पेस में घूमने वाले सैटेलाइट की असल तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम होता है। एक सामान्य सैटेलाइट 15 से 20 साल की अवधि तक काम करती है और वहीं उससे बेहतर क्वालिटी की सैटेलाइट 25 से 30 साल तक अंतरिक्ष में घूमती है। लेकिन इसके बाद सैटेलाइट के काम करने की क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मशीन एक न एक दिन खराब जरूर होती है। अंतरिक्ष में सालों साल चक्कर लगाने वाली इन सैटेलाइटों का काम खत्म होने के बाद इन्हें पृथ्वी के सुनसान इलाके में फेंक दिया जाता है, जिस जगह को पॉइंट नीमो कहा जाता है, जिसे आप सैटेलाइट का कूड़ा भी कह सकते हैं। पॉइंट नीमो दोस्तों ये वो जगह है जहां सालों से सैटेलाइट का कूड़ा फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, जहां समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में हजारों की संख्या में खराब हो चुके सैटेलाइट मौजूद है। इस जगह पर साल 1970 के दशक से स्पेस का कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आइलैंड मौजूद नहीं है। पॉइंट नीमो के सबसे नजदीकी जमीनी हिस्सा 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको अंटार्कटिका की जमीन की सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। अब तक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन है, जिसका वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद 2024 में इसको भी पॉइंट नीमो में फेंक दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका में एक बिल पारित हुआ है जो इसके समय को 2030 तक बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इसका समय पूरा हो रहा है, इसे किसी भी समय नीचे लाना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट नीमो अपने भीतर स्पेस की कितनी गंदगी समेटे हुए है, जिसमें भारी भरकम सैटेलाइट के साथ साथ स्पेस इंटरनेशनल के मलबे भी शामिल है। स्पेस में क्यों नहीं टकराते सैटेलाइट? जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट घूमते हैं, ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये सैटेलाइट आपस में कभी टकराते क्यों नहीं है। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर आसमान में। लेकिन अंतरिक्ष में हर तरफ इन सैटेलाइट के ट्रैफिक को बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हर स्पेस एजेंसी में सैकड़ों लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं। ऐसे में सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली टीम को ये ध्यान रखना होता है कि हर एक सैटेलाइट उचित दूरी पर चक्कर लगाए और किसी दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में दिक्कत ना करे। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर लगाती है, जो धरती की सतह से 22,237 मील यानी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये सैटेलाइट अपनी जगह से 300 किलोमीटर और ऊपर तक चक्कर लगाने तथा काम करने की क्षमता रखती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर या अचानक से सैटेलाइट की संख्या ज्यादा हो जाने पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में न आए और सालों तक अपना काम करती रहे। क्या होगा अगर अचानक से काम करना बंद कर दे सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सबसे एडवांस और आधुनिक माना जाता है, जिसकी गति और दूरी में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कई सैटेलाइट ऐसी भी होती हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट के निचले हिस्से में काम करती है और अचानक से खराब हो जाती है। इस तरह की सैटेलाइट की गति या दूरी को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय और ईंधन की खपत होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास इन खराब हुई सैटेलाइट से निपटने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि सैटेलाइट की गति को बहुत ही धीमा कर दिया जाए, ताकि जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे तो वह घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाए।
तो इस तरह सैटेलाइट में आग लगने के बाद धीमी गति से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन छोटी से छोटी सैटेलाइट को भी अपने आप जलकर नष्ट होने में लगभग 20 साल तक का लंबा समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट न हो और पहले ही पृथ्वी की सतह से जा टकराए, जिसकी वजह से इंसानी आबादी में भयानक विस्फोट और तबाही का सामना करना पड़े। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वैज्ञानिक सैटेलाइट की दिशा में परिवर्तन कर दे ताकि उसे पृथ्वी की सबसे वीरान जगह पर यानी कि पॉइंट नीमो में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सैटेलाइट की दिशा बदलने और पॉइंट नीमो में ले जाकर दफन कर देने में समय और ईंधन की खपत बहुत कम होती है और इंसानों को होने वाला खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक सैटेलाइट का अपने आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते बल्कि उसकी दिशा में बदलाव करके उसे पॉइंट नीमो में दफन कर देते हैं। लगभग हर देश का कूड़ा समेटे हुए है पॉइंट नीमो। स्पेस के इस कूड़ा घर में हर देश का अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट का ढेर सारा कूड़ा जमा है जो कि दिन ब दिन दो गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पॉइंट नीमो में रूस के 200 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट दफन है, जबकि जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और यूएसए के 5 ट्रांसफर व्हीकल का कूड़ा भी यहीं फेंका गया है। इसके अलावा पॉइंट नीमो में रूस के 6 स्पेस स्टेशन भी दफन है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि पॉइंट नीमो में धरती और विज्ञान से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास दफन है जो आज मलबे का रूप ले चुका है। जब भी किसी सैटेलाइट स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाता है और उसे दफन करने के लिए पॉइंट नीमो की तरफ लाया जाता है तो उस दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष वस्तु में तेजी से घर्षण होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट स्पेस स्टेशन या यान के कुछ हिस्से में वहां आग लग जाती है। यही कारण है कि बड़े आकार के सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट थर्मल शील्ड से बनाए जाते हैं ताकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें एकदम से आग न लगे। हालांकि थर्मल शील्ड होने के बावजूद भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष की कुछ वस्तुओं का कुछ हिस्सा वहीं की वहीं जल जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो में जा गिरता है। इसी तरह से अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड में भी आग लग जाती है, लेकिन यह पॉइंट नीमो में गिरने की बजाय धरती के आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाता है और ऐसी चीजों पर वैज्ञानिकों का कोई काबू नहीं रहता, इसलिए उल्कापिंड के गिरने का खतरा सैटेलाइट के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहता है। पॉइंट नीमो में गिराया गया सबसे बड़ा कचरा मीर स्पेस स्टेशन है, जिसका वजन तकरीबन 143 टन था। इस स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में तकरीबन 15 साल तक काम किया, जिसके बाद मार्च 2001 में इसे पॉइंट नीमो में दफन कर दिया गया। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ना शुरू हो गया था। जब यह 85 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पॉइंट नीमो में गिरते गिरते इसका वजन 143 टन से घटकर सिर्फ 20 से 25 टन रह गया था, जो समुद्र के 6 अलग अलग टुकड़ों में गिर गया। ऐसे में 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस पॉइंट नीमो में सालाना कई सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान फेंके जाते हैं, जिन्हें इतने बड़े क्षेत्र में खोजना घास में तिनका ढूंढने जैसा प्रतीत होता है। जब किसी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को पॉइंट नीमो में गिराया जाता है तो उससे पहले चिल्ली या आसपास के देशों में मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पॉइंट नीमो के आसपास समुद्री इलाकों में जाने वाले जहाज कुछ समय के लिए रुक जाए ताकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीजों से जहाजों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही हवाई मार्ग में आने वाले हेलीकॉप्टर और प्लेन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है या उनका मार्ग बदल दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक और विभिन्न स्पेस एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है कि अंतरिक्ष से समुद्र में गिराए जाने वाले मलबे की चपेट में कोई वस्तु न आए, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा। पॉइंट नीमो में चारों तरफ अंधेरा होता है, जहां सूर्य तक की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहीं अंतरिक्ष से गिरने वाले तमाम मलबे और कूड़ों ने भी पॉइंट नीमो में काफी अंधकार कर रखा है, जहां किसी भी चीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष के मलबे से भरे पॉइंट नीमो में जलीय जीव मौजूद है, जिसमें आप मछली की दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां व्हेल और वाइपर फिश शामिल है। लेकिन कई बार ये जलीय जीव अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले कूड़ों की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ का वातावरण जीवन पनपने के लायक साबित होता है। पॉइंट नीमो का औसतन तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दरअसल इस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। ऐसे में समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से पॉइंट नीमो का तापमान संतुलित रहता है और जमा देने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि पॉइंट नीमो अंतरिक्ष के कूड़े का घर होने के बावजूद भी कुछ जलीय जीव और बैक्टीरियो का घर माना जाता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष में खराब हुए मलबों के साथ क्या किया जाता है।
इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और विज्ञान स्पेस के रहस्य को सुलझाने में काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में इतनी भारी संख्या में स्पेस के कूड़े को किसी एक जगह पर फेंकना क्या आपके हिसाब से ठीक है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऐसे में अंतरिक्ष में सालों साल घूमने वाले सैटेलाइट को आखिर कहां फेंका जाता है और उसके मलबे के साथ क्या किया जाता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। धरती का चक्कर लगाते हुए सैटेलाइट आज के आधुनिक युग में नेट बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा सारा काम कर देते हैं। वहीं महामारी के इस दौर में ज्यादातर लोग घर बैठे ही अपना काम कर रहे थे। ये सारा काम सैटेलाइट की मदद से पूरा होता है जो अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ घूमती रहती है। इन सैटेलाइट को अलग अलग स्पेस सेंटर से कंट्रोल किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अगर आप स्पेस में घूमने वाले सैटेलाइट की असल तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम होता है। एक सामान्य सैटेलाइट 15 से 20 साल की अवधि तक काम करती है और वहीं उससे बेहतर क्वालिटी की सैटेलाइट 25 से 30 साल तक अंतरिक्ष में घूमती है, लेकिन इसके बाद सैटेलाइट के काम करने की क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मशीन एक न एक दिन खराब जरूर होती है। अंतरिक्ष में सालों साल चक्कर लगाने वाली इन सैटेलाइटों का काम खत्म होने के बाद इन्हें पृथ्वी के सुनसान इलाके में फेंक दिया जाता है, जिस जगह को पॉइंट निमो कहा जाता है, जिसे आप सैटेलाइट का कूड़ा भी कह सकते हैं। पॉइंट निमो दोस्तों, ये वो जगह है जहां सालों से सैटेलाइट का कूड़ा फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, जहां समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में हजारों की संख्या में खराब हो चुके सैटेलाइट मौजूद है। इस जगह पर साल 1970 के दशक से स्पेस का कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आईलैंड मौजूद नहीं है। पॉइंट निमो के सबसे नजदीकी जमीनी हिस्सा 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको अंटार्कटिका की जमीन की सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। अब तक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन है, जिसका वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद 2024 में इसको भी पॉइंट निमो में फेंक दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका में एक बिल पारित हुआ है जो इसके समय को 2030 तक बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इसका समय पूरा हो रहा है, इसे किसी भी समय नीचे लाना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट निमो अपने भीतर स्पेस की कितनी गंदगी समेटे हुए है, जिसमें भारी भरकम सैटेलाइट के साथ साथ स्पेस इंटरनेशनल के मलबे भी शामिल है। स्पेस में क्यों नहीं टकराते सैटेलाइट? जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट घूमते हैं, ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये सैटेलाइट आपस में कभी टकराते क्यों नहीं है? एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर आसमान में। लेकिन अंतरिक्ष में हर तरफ इन सैटेलाइट के ट्रैफिक को बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हर स्पेस एजेंसी में सैकड़ों लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं। ऐसे में सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली टीम को ये ध्यान रखना होता है कि हर एक सैटेलाइट उचित दूरी पर चक्कर लगाए और किसी दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में दिक्कत ना करे। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर लगाती है, जो धरती की सतह से 22,237 मील यानी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये सैटेलाइट अपनी जगह से 300 किलोमीटर और ऊपर तक चक्कर लगाने तथा काम करने की क्षमता रखती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर या अचानक से सैटेलाइट की संख्या ज्यादा हो जाने पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में न आए और सालों तक अपना काम करती रहे। क्या होगा अगर अचानक से काम करना बंद कर दे सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सबसे एडवांस और आधुनिक माना जाता है, जिसकी गति और दूरी में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कई सैटेलाइट ऐसी भी होती हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट के निचले हिस्से में काम करती है और अचानक से खराब हो जाती है। इस तरह की सैटेलाइट की गति या दूरी को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय और ईंधन की खपत होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास इन खराब हुई सैटेलाइट से निपटने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि सैटेलाइट की गति को बहुत ही धीमा कर दिया जाए, ताकि जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे तो वह घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाए।
तो इस तरह सैटेलाइट में आग लगने के बाद धीमी गति से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन छोटी से छोटी सैटेलाइट को भी अपने आप जलकर नष्ट होने में लगभग 20 साल तक का लंबा समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट न हो और पहले ही पृथ्वी की सतह से जा टकराए, जिसकी वजह से इंसानी आबादी में भयानक विस्फोट और तबाही का सामना करना पड़े। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वैज्ञानिक सैटेलाइट की दिशा में परिवर्तन कर दे ताकि उसे पृथ्वी की सबसे वीरान जगह पर यानी कि पॉइंट नीमो में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सैटेलाइट की दिशा बदलने और पॉइंट नीमो में ले जाकर दफन कर देने में समय और ईंधन की खपत बहुत कम होती है और इंसानों को होने वाला खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक सैटेलाइट का अपने आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते बल्कि उसकी दिशा में बदलाव करके उसे पॉइंट नीमो में दफन कर देते हैं। लगभग हर देश का कूड़ा समेटे हुए है पॉइंट नीमो। स्पेस के इस कूड़ाघर में हर देश का अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट का ढेर सारा कूड़ा जमा है जो कि दिन ब दिन दो गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पॉइंट नीमो में रूस के 200 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट दफन है जबकि जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और यूएसए के 5 ट्रांसफर व्हीकल का कूड़ा भी यहीं फेंका गया है। इसके अलावा पॉइंट नीमो में रूस के 6 स्पेस स्टेशन भी दफन है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि पॉइंट नीमो में धरती और विज्ञान से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास दफन है जो आज मलबे का रूप ले चुका है। जब भी किसी सैटेलाइट स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाता है और उसे दफन करने के लिए पॉइंट नीमो की तरफ लाया जाता है तो उस दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष वस्तु में तेजी से घर्षण होता है जिसकी वजह से सैटेलाइट स्पेस स्टेशन या यान के कुछ हिस्से में वहां आग लग जाती है। यही कारण है कि बड़े आकार के सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट थर्मल शील्ड से बनाए जाते हैं ताकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें एकदम से आग न लगे। हालांकि थर्मल शील्ड होने के बावजूद भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें आग लग जाती है जिसकी वजह से अंतरिक्ष की कुछ वस्तुओं का कुछ हिस्सा वहीं की वहीं जल जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो में जा गिरता है। इसी तरह से अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड में भी आग लग जाती है लेकिन यह पॉइंट नीमो में गिरने की वजह धरती के आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाता है और ऐसी चीजों पर वैज्ञानिकों का कोई काबू नहीं रहता, इसलिए उल्कापिंड के गिरने का खतरा सैटेलाइट के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहता है। पॉइंट नीमो में गिराया गया सबसे बड़ा कचरा मीर स्पेस स्टेशन है जिसका वजन तकरीबन 143 टन था। इस स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में तकरीबन 15 साल तक काम किया जिसके बाद मार्च 2001 में इसे पॉइंट नीमो में दफन कर दिया गया। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ना शुरू हो गया था। जब यह 85 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पॉइंट नीमो में गिरते गिरते इसका वजन 143 टन से घटकर सिर्फ 20 से 25 टन रह गया था जो समुद्र के 6 अलग अलग टुकड़ों में गिर गया। ऐसे में 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस पॉइंट नीमो में सालाना कई लाइट और अंतरिक्षयान फेंके जाते हैं जिन्हें इतने बड़े क्षेत्र में खोजना घास में तिनका ढूंढने जैसा प्रतीत होता है। जब किसी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को पॉइंट नीमो में गिराया जाता है तो उससे पहले चिली या आसपास के देशों में मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पॉइंट नीमो के आसपास समुद्री इलाकों में जाने वाले जहाज कुछ समय के लिए रुक जाए ताकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीजों से जहाजों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही हवाई मार्ग में आने वाले हेलीकॉप्टर और प्लेन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है या उनका मार्ग बदल दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक और विभिन्न स्पेस एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है कि अंतरिक्ष से समुद्र में गिराए जाने वाले मलबे की चपेट में कोई वस्तु न आए क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा। पॉइंट नीमो में चारों तरफ अंधेरा होता है जहां सूर्य तक की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहीं अंतरिक्ष से गिरने वाले तमाम मलबे और कूड़ों ने भी पॉइंट नीमो में काफी अंधकार कर रखा है जहां किसी भी चीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष के मलबे से भरे पॉइंट नीमो में जलीय जीव मौजूद है जिसमें आप मछली की दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां व्हेल और वाइपर फिश शामिल है। लेकिन कई बार ये जलीय जीव अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले कूड़ों की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं लेकिन के लिए यहाँ का वातावरण जीवन पनपने के लायक साबित होता है। पॉइंट नीमो का औसतन तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दरअसल इस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। ऐसे में समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से पॉइंट नीमो का तापमान संतुलित रहता है और जमा देने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि पॉइंट नीमो अंतरिक्ष के कूड़े का घर होने के बावजूद भी कुछ जलीय जीव और बैक्टीरियों का घर माना जाता है। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष में खराब हुए मलबों के साथ क्या किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और विज्ञान स्पेस के रहस्य को सुलझाने में काफी कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसे में इतनी भारी संख्या में स्पेस के कूड़े को किसी एक जगह पर फेंकना क्या आपके हिसाब से ठीक है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अलग स्पेस सेंटर से कंट्रोल किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अगर आप स्पेस में घूमने वाले सैटेलाइट की असल तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम होता है। एक सामान्य सैटेलाइट 15 से 20 साल की अवधि तक काम करती है और वहीं उससे बेहतर क्वालिटी की सैटेलाइट 25 से 30 साल तक अंतरिक्ष में घूमती है। लेकिन इसके बाद सैटेलाइट की काम करने की क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मशीन एक न एक दिन खराब जरूर होती है। अंतरिक्ष में सालों साल चक्कर लगाने वाली इन सैटेलाइटों का काम खत्म होने के बाद इन्हें पृथ्वी के सुनसान इलाके में फेंक दिया जाता है, जिस जगह को पॉइंट निमो कहा जाता है, जिसे आप सैटेलाइट का कूड़ा भी कह सकते हैं। पॉइंट निमो दोस्तों, ये वो जगह है जहां सालों से सैटेलाइट का कूड़ा फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, जहां समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में हजारों की संख्या में खराब हो चुके सैटेलाइट मौजूद है। इस जगह पर साल 1970 के दशक से स्पेस का कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आइलैंड मौजूद नहीं है। पॉइंट निमो के सबसे नजदीकी जमीनी हिस्सा 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको अंटार्कटिका की जमीन की सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। अब तक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन है, जिसका वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद 2024 में इसको भी पॉइंट निमो में फेंक दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका में एक बिल पारित हुआ है जो इसके समय को 2030 तक बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इसका समय पूरा हो रहा है, इसे किसी भी समय नीचे लाना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट निमो अपने भीतर स्पेस की कितनी गंदगी समेटे हुए है, जिसमें भारी भरकम सैटेलाइट के साथ साथ स्पेस इंटरनेशनल के मलबे भी शामिल है। स्पेस में क्यों नहीं टकराते सैटेलाइट? जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट घूमते हैं, ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये सैटेलाइट आपस में कभी टकराते क्यों नहीं है। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर आसमान में। लेकिन अंतरिक्ष में हर तरफ इन सैटेलाइट के ट्रैफिक को बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हर स्पेस एजेंसी में सैकड़ों लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं। ऐसे में सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली टीम को ये ध्यान रखना होता है कि हर एक सैटेलाइट उचित दूरी पर चक्कर लगाए और किसी दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में दिक्कत ना करे। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर लगाती है, जो धरती की सतह से 22,237 मील यानी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये सैटेलाइट अपनी जगह से 300 किलोमीटर और ऊपर तक चक्कर लगाने तथा काम करने की क्षमता रखती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर या अचानक से सैटेलाइट की संख्या ज्यादा हो जाने पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में न आए और सालों तक अपना काम करती रहे। क्या होगा अगर अचानक से काम करना बंद कर दे सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सबसे एडवांस और आधुनिक माना जाता है, जिसकी गति और दूरी में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कई सैटेलाइट ऐसी भी होती हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट के निचले हिस्से में काम करती है और अचानक से खराब हो जाती है। इस तरह की सैटेलाइट की गति या दूरी को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय और ईंधन की खपत होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास इन खराब हुई सैटेलाइट से निपटने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि सैटेलाइट की गति को बहुत ही धीमा कर दिया जाए, ताकि जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे तो वह घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाए। तो इस तरह सैटेलाइट में आग लगने के बाद धीमी गति से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन छोटी से छोटी सैटेलाइट को भी अपने आप जलकर नष्ट होने में लगभग 20 साल तक का लंबा समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट न हो और पहले ही पृथ्वी की सतह से जा टकराए, जिसकी वजह से इंसानी आबादी में भयानक विस्फोट और तबाही का सामना करना पड़े। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वैज्ञानिक सैटेलाइट की दिशा में परिवर्तन कर दे, ताकि उसे पृथ्वी की सबसे वीरान जगह पर यानी कि पॉइंट निमो में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सैटेलाइट की दिशा बदलने और पॉइंट निमो में ले जाकर दफन कर देने में समय और ईंधन की खपत बहुत कम होती है और इंसानों को होने वाला खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक सैटेलाइट का अपने आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसकी दिशा में बदलाव करके उसे पॉइंट निमो में दफन कर देते हैं। लगभग हर देश का कूड़ा समेटे हुए है पॉइंट निमो। स्पेस के इस कूड़ाघर में हर देश का अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट का ढेर सारा कूड़ा जमा है, जो कि दिन ब दिन दो गुना स्पीड से बढ़ रहा है।
पॉइंट नीमो में रूस के 200 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट दफन है, जबकि जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और यूएसए के 5 ट्रांसफर व्हीकल का कूड़ा भी यहीं फेंका गया है। इसके अलावा पॉइंट नीमो में रूस के 6 स्पेस स्टेशन भी दफन है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि पॉइंट नीमो में धरती और विज्ञान से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास दफन है, जो आज मलबे का रूप ले चुका है। जब भी किसी सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाता है और उसे दफन करने के लिए पॉइंट नीमो की तरफ लाया जाता है, तो उस दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष वस्तु में तेजी से घर्षण होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या यान के कुछ हिस्से में वहां आग लग जाती है। यही कारण है कि बड़े आकार के सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट थर्मल शील्ड से बनाए जाते हैं, ताकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें एकदम से आग न लगे। हालांकि थर्मल शील्ड होने के बावजूद भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष की कुछ वस्तुओं का कुछ हिस्सा वहीं की वहीं जल जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो में जा गिरता है। इसी तरह से अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड में भी आग लग जाती है, लेकिन यह पॉइंट नीमो में गिरने की बजाय धरती के आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाता है और ऐसी चीजों पर वैज्ञानिकों का कोई काबू नहीं रहता, इसलिए उल्कापिंड के गिरने का खतरा सैटेलाइट के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहता है। पॉइंट नीमो में गिराया गया सबसे बड़ा कचरा मीर स्पेस स्टेशन है, जिसका वजन तकरीबन 143 टन था। इस स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में तकरीबन 15 साल तक काम किया, जिसके बाद मार्च 2001 में इसे पॉइंट नीमो में दफन कर दिया गया। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ना शुरू हो गया था। जब यह 85 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पॉइंट नीमो में गिरते गिरते इसका वजन 143 टन से घटकर सिर्फ 20 से 25 टन रह गया था, जो समुद्र के 6 अलग अलग टुकड़ों में गिर गया। ऐसे में 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस पॉइंट नीमो में सालाना कई सैटेलाइट और अंतरिक्षयान फेंके जाते हैं, जिन्हें इतने बड़े क्षेत्र में खोजना घास में तिनका ढूंढने जैसा प्रतीत होता है। जब किसी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को पॉइंट नीमो में गिराया जाता है, तो उससे पहले चिली या आसपास के देशों में मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पॉइंट नीमो के आसपास समुद्री इलाकों में जाने वाले जहाज कुछ समय के लिए रुक जाए, ताकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीजों से जहाजों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही हवाई मार्ग में आने वाले हेलीकॉप्टर और प्लेन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है या उनका मार्ग बदल दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक और विभिन्न स्पेस एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है कि अंतरिक्ष से समुद्र में गिराए जाने वाले मलबे की चपेट में कोई वस्तु न आए, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा। पॉइंट नीमो में चारों तरफ अंधेरा होता है, जहां सूर्य तक की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहीं अंतरिक्ष से गिरने वाले तमाम मलबे और कूड़ों ने भी पॉइंट नीमो में काफी अंधकार कर रखा है, जहां किसी भी चीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष के मलबे से भरे पॉइंट नीमो में जलीय जीव मौजूद है, जिसमें आप मछली की दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां व्हेल और वाइपर फिश शामिल है। लेकिन कई बार ये जलीय जीव अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले कूड़ों की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ का वातावरण जीवन पनपने के लायक साबित होता है। पॉइंट नीमो का औसतन तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दरअसल इस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। ऐसे में समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से पॉइंट नीमो का तापमान संतुलित रहता है और जमा देने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि पॉइंट नीमो अंतरिक्ष के कूड़े का घर होने के बावजूद भी कुछ जलीय जीव और बैक्टीरियो का घर माना जाता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष में खराब हुए मलबों के साथ क्या किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और विज्ञान स्पेस के रहस्य को सुलझाने में काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में इतनी भारी संख्या में स्पेस के कूड़े को किसी तम हो जाती है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मशीन एक न एक दिन खराब जरूर होती है। अंतरिक्ष में सालों साल चक्कर लगाने वाली इन सैटेलाइटों का काम खत्म होने के बाद इन्हें पृथ्वी के सुनसान इलाके में फेंक दिया जाता है, जिस जगह को पॉइंट नीमो कहा जाता है, जिसे आप सैटेलाइट का कूड़ा भी कह सकते हैं। पॉइंट नीमो दोस्तों, ये वो जगह है जहां सालों से सैटेलाइट का कूड़ा फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, जहां समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में हजारों की संख्या में खराब हो चुके सैटेलाइट मौजूद है। इस जगह पर साल 1970 के दशक से स्पेस का कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आइलैंड मौजूद नहीं है। पॉइंट नीमो के सबसे नजदीकी जमीनी हिस्सा 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको अंटार्कटिका की जमीन की सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा।
अब तक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन है, जिसका वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद 2024 में इसको भी पॉइंट नीमो में फेंक दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका में एक बिल पारित हुआ है जो इसके समय को 2030 तक बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इसका समय पूरा हो रहा है, इसे किसी भी समय नीचे लाना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट नीमो अपने भीतर स्पेस की कितनी गंदगी समेटे हुए है, जिसमें भारी भरकम सैटेलाइट के साथ साथ स्पेस इंटरनेशनल के मलबे भी शामिल है। स्पेस में क्यों नहीं टकराते सैटेलाइट? जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट घूमते हैं, ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये सैटेलाइट आपस में कभी टकराते क्यों नहीं है। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर आसमान में, लेकिन अंतरिक्ष में हर तरफ इन सैटेलाइट के ट्रैफिक को बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हर स्पेस एजेंसी में सैकड़ों लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं। ऐसे में सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली टीम को ये ध्यान रखना होता है कि हर एक सैटेलाइट उचित दूरी पर चक्कर लगाए और किसी दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में दिक्कत ना करे। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर लगाती है, जो धरती की सतह से 22,237 मील यानी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये सैटेलाइट अपनी जगह से 300 किलोमीटर और ऊपर तक चक्कर लगाने तथा काम करने की क्षमता रखती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर या अचानक से सैटेलाइट की संख्या ज्यादा हो जाने पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में न आए और सालों तक अपना काम करती रहे। क्या होगा अगर अचानक से काम करना बंद कर दे सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सबसे एडवांस और आधुनिक माना जाता है, जिसकी गति और दूरी में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कई सैटेलाइट ऐसी भी होती हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट के निचले हिस्से में काम करती है और अचानक से खराब हो जाती है। इस तरह की सैटेलाइट की गति या दूरी को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय और ईंधन की खपत होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास इन खराब हुई सैटेलाइट से निपटने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि सैटेलाइट की गति को बहुत ही धीमा कर दिया जाए, ताकि जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे तो वह घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाए। तो इस तरह सैटेलाइट में आग लगने के बाद धीमी गति से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन छोटी से छोटी सैटेलाइट को भी अपने आप जलकर नष्ट होने में लगभग 20 साल तक का लंबा समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट न हो और पहले ही पृथ्वी की सतह से जा टकराए, जिसकी वजह से इंसानी आबादी में भयानक विस्फोट और तबाही का सामना करना पड़े। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वैज्ञानिक सैटेलाइट की दिशा में परिवर्तन कर दे, ताकि उसे पृथ्वी की सबसे वीरान जगह पर यानी कि पॉइंट नीमो में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सैटेलाइट की दिशा बदलने और पॉइंट नीमो में ले जाकर दफन कर देने में समय और ईंधन की खपत बहुत कम होती है और इंसानों को होने वाला खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक सैटेलाइट का अपने आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसकी दिशा में बदलाव करके उसे पॉइंट नीमो में दफन कर देते हैं। लगभग हर देश का कूड़ा समेटे हुए है पॉइंट नीमो। स्पेस के इस कूड़ाघर में हर देश का अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट का ढेर सारा कूड़ा जमा है, जो कि दिन ब दिन दो गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पॉइंट नीमो में रूस के 200 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट दफन है, जबकि जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और यूएसए के 5 ट्रांसफर व्हीकल का कूड़ा भी यहीं फेंका गया है। इसके अलावा पॉइंट नीमो में रूस के 6 स्पेस स्टेशन भी दफन है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि पॉइंट नीमो में धरती और विज्ञान से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास दफन है, जो आज मलबे का रूप ले चुका है। जब भी किसी सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाता है और उसे दफन करने के लिए पॉइंट नीमो की तरफ लाया जाता है, तो उस दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष वस्तु में तेजी से घर्षण होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या यान के कुछ हिस्से में वहां आग लग जाती है। यही कारण है कि बड़े आकार के सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट थर्मल शील्ड से बनाए जाते हैं, ताकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें एकदम से आग न लगे। हालांकि थर्मल शील्ड होने के बावजूद भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष की कुछ वस्तुओं का कुछ हिस्सा वहीं की वहीं जल जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो में जा गिरता है। इसी तरह से अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड में भी आग लग जाती है, लेकिन यह पॉइंट नीमो में गिरने की बजाय धरती के आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाता है और ऐसी चीजों पर वैज्ञानिकों का कोई काबू नहीं रहता, इसलिए उल्कापिंड के गिरने का खतरा सैटेलाइट के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहता है। पॉइंट नीमो में गिराया गया सबसे बड़ा कचरा मीर स्पेस स्टेशन है, जिसका वजन तकरीबन 143 टन था।
इस स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में तकरीबन 15 साल तक काम किया, जिसके बाद मार्च 2001 में इसे पॉइंट निमो में दफन कर दिया गया। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ना शुरू हो गया था। जब यह 85 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पॉइंट निमो में गिरते गिरते इसका वजन 143 टन से घटकर सिर्फ 20 से 25 टन रह गया था, जो समुद्र के 6 अलग अलग टुकड़ों में गिर गया। ऐसे में 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस पॉइंट निमो में सालाना कई सैटेलाइट और अंतरिक्षयान फेंके जाते हैं, जिन्हें इतने बड़े क्षेत्र में खोजना घास में तिनका ढूंढने जैसा प्रतीत होता है। जब किसी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को पॉइंट निमो में गिराया जाता है तो उससे पहले चिल्ली या आसपास के देशों में मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पॉइंट निमो के आसपास समुद्री इलाकों में जाने वाले जहाज कुछ समय के लिए रुक जाए, ताकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीजों से जहाजों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही हवाई मार्ग में आने वाले हेलीकॉप्टर और प्लेन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है या उनका मार्ग बदल दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक और विभिन्न स्पेस एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है कि अंतरिक्ष से समुद्र में गिराए जाने वाले मलबे की चपेट में कोई वस्तु न आए, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा। पॉइंट निमो में चारों तरफ अंधेरा होता है, जहां सूर्य तक की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहीं अंतरिक्ष से गिरने वाले तमाम मलबे और कूड़ों ने भी पॉइंट निमो में काफी अंधकार कर रखा है, जहां किसी भी चीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष के मलबे से भरे पॉइंट निमो में जलीय जीव मौजूद है, जिसमें आप मछली की दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां व्हेल और वाइपर फिश शामिल है। लेकिन कई बार ये जलीय जीव अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले कूड़ों की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ का वातावरण जीवन पनपने के लायक साबित होता है। पॉइंट निमो का औसतन तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दरअसल इस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। ऐसे में समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से पॉइंट निमो का तापमान संतुलित रहता है और जमा देने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि पॉइंट निमो अंतरिक्ष के कूड़े का घर होने के बावजूद भी कुछ जलीय जीव और बैक्टीरियो का घर माना जाता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष में खराब हुए मलबों के साथ क्या सारा काम कर देते हैं। वहीं महामारी के इस दौर में ज्यादातर लोग घर बैठे ही अपना काम कर रहे थे। ये सारा काम सैटेलाइट की मदद से पूरा होता है, जो अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ घूमती रहती हैं। इन सैटेलाइट को अलग अलग स्पेस सेंटर से कंट्रोल किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अगर आप स्पेस में घूमने वाले सैटेलाइट की असल तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम होता है। एक सामान्य सैटेलाइट 15 से 20 साल की अवधि तक काम करती है और वहीं उससे बेहतर क्वालिटी की सैटेलाइट 25 से 30 साल तक अंतरिक्ष में घूमती है। लेकिन इसके बाद सैटेलाइट के काम करने की क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मशीन एक न एक दिन खराब जरूर होती है। अंतरिक्ष में सालों साल चक्कर लगाने वाली इन सैटेलाइटों का काम खत्म होने के बाद इन्हें पृथ्वी के सुनसान इलाके में फेंक दिया जाता है, जिस जगह को पॉइंट निमो कहा जाता है, जिसे आप सैटेलाइट का कूड़ा भी कह सकते हैं। पॉइंट निमो दोस्तों, ये वो जगह है जहां सालों से सैटेलाइट का कूड़ा फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, जहां समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में हजारों की संख्या में खराब हो चुके सैटेलाइट मौजूद है। इस जगह पर साल 1970 के दशक से स्पेस का कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आइलैंड मौजूद नहीं है। पॉइंट निमो के सबसे नजदीकी जमीनी हिस्सा 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको अंटार्कटिका की जमीन की सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। अब तक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन है, जिसका वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद 2024 में इसको भी पॉइंट निमो में फेंक दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका में एक बिल पारित हुआ है जो इसके समय को 2030 तक बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इसका समय पूरा हो रहा है। इसे किसी भी समय नीचे लाना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट निमो अपने भीतर स्पेस की कितनी गंदगी समेटे हुए है, जिसमें भारी भरकम सैटेलाइट के साथ साथ स्पेस इंटरनेशनल के मलबे भी शामिल है। स्पेस में क्यों नहीं टकराते सैटेलाइट? जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट घूमते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये सैटेलाइट आपस में कभी टकराते क्यों नहीं है। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर आसमान में। लेकिन अंतरिक्ष में हर तरफ इन सैटेलाइट के ट्रैफिक को बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हर स्पेस एजेंसी में सैकड़ों लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं। ऐसे में सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली टीम को ये ध्यान रखना होता है कि हर एक सैटेलाइट उचित दूरी पर चक्कर लगाए और किसी दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में दिक्कत ना करे। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर लगाती है।
जो धरती की सतह से 22,237 मील यानी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये सैटेलाइट अपनी जगह से 300 किलोमीटर और ऊपर तक चक्कर लगाने तथा काम करने की क्षमता रखती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर या अचानक से सैटेलाइट की संख्या ज्यादा हो जाने पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है ताकि दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में न आए और सालों तक अपना काम करती रहे। क्या होगा अगर अचानक से काम करना बंद कर दे सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सबसे एडवांस और आधुनिक माना जाता है जिसकी गति और दूरी में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कई सैटेलाइट ऐसी भी होती हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट के निचले हिस्से में काम करती है और अचानक से खराब हो जाती है। इस तरह की सैटेलाइट की गति या दूरी को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारा समय और ईंधन की खपत होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास इन खराब हुई सैटेलाइट से निपटने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि सैटेलाइट की गति को बहुत ही धीमा कर दिया जाए ताकि जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे तो वह घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाए। तो इस तरह सैटेलाइट में आग लगने के बाद धीमी गति से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन छोटी से छोटी सैटेलाइट को भी अपने आप जलकर नष्ट होने में लगभग 20 साल तक का लंबा समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट न हो और पहले ही पृथ्वी की सतह से जा टकराए जिसकी वजह से इंसानी आबादी में भयानक विस्फोट और तबाही का सामना करना पड़े। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वैज्ञानिक सैटेलाइट की दिशा में परिवर्तन कर दे ताकि उसे पृथ्वी की सबसे वीरान जगह पर यानी कि पॉइंट नीमो में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सैटेलाइट की दिशा बदलने और पॉइंट नीमो में ले जाकर दफन कर देने में समय और ईंधन की खपत बहुत कम होती है और इंसानों को होने वाला खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक सैटेलाइट का अपने आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते बल्कि उसकी दिशा में बदलाव करके उसे पॉइंट नीमो में दफन कर देते हैं। लगभग हर देश का कूड़ा समेटे हुए है पॉइंट नीमो। स्पेस के इस कूड़ाघर में हर देश का अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट का ढेर सारा कूड़ा जमा है जो कि दिन ब दिन दोगुना स्पीड से बढ़ रहा है। पॉइंट नीमो में रूस के 200 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट दफन है जबकि जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और यूएसए के 5 ट्रांसफर व्हीकल का कूड़ा भी यहीं फेंका गया है। इसके अलावा पॉइंट नीमो में रूस के 6 स्पेस स्टेशन भी दफन है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि पॉइंट नीमो में धरती और विज्ञान से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास दफन है जो आज मलबे का रूप ले चुका है। जब भी किसी सैटेलाइट स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाता है और उसे दफन करने के लिए पॉइंट नीमो की तरफ लाया जाता है तो उस दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष वस्तु में तेजी से घर्षण होता है जिसकी वजह से सैटेलाइट स्पेस स्टेशन या यान के कुछ हिस्से में वहां आग लग जाती है। यही कारण है कि बड़े आकार के सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट थर्मल शील्ड से बनाए जाते हैं ताकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें एकदम से आग न लगे। हालांकि थर्मल शील्ड होने के बावजूद भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें आग लग जाती है जिसकी वजह से अंतरिक्ष की कुछ वस्तुओं का कुछ हिस्सा वहीं की वहीं जल जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो में जा गिरता है। इसी तरह से अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड में भी आग लग जाती है लेकिन यह पॉइंट नीमो में गिरने की वजह धरती के आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाता है और ऐसी चीजों पर वैज्ञानिकों का कोई काबू नहीं रहता। इसलिए उल्कापिंड के गिरने का खतरा सैटेलाइट के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहता है। पॉइंट नीमो में गिराया गया सबसे बड़ा कचरा मीर स्पेस स्टेशन है जिसका वजन तकरीबन 143 टन था। इस स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में तकरीबन 15 साल तक काम किया जिसके बाद मार्च 2001 में इसे पॉइंट नीमो में दफन कर दिया गया। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ना शुरू हो गया था। जब यह 85 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पॉइंट नीमो में गिरते गिरते इसका वजन 143 टन से घटकर सिर्फ 20 से 25 टन रह गया था जो समुद्र के 6 अलग अलग टुकड़ों में गिर गया। ऐसे में 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस पॉइंट नीमो में सालाना कई सैटेलाइट और अंतरिक्षयान फेंके जाते हैं जिन्हें इतने बड़े क्षेत्र में खोजना घास में तिनका ढूंढने जैसा प्रतीत होता है। जब किसी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को पॉइंट नीमो में गिराया जाता है तो उससे पहले चिली या आसपास के देशों में मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पॉइंट नीमो के आसपास समुद्री इलाकों में जाने वाले जहाज कुछ समय के लिए रुक जाए ताकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीजों से जहाजों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही हवाई मार्ग में आने वाले हेलीकॉप्टर और प्लेन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है या उनका मार्ग बदल दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक और विभिन्न स्पेस एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है कि अंतरिक्ष से समुद्र में गिराए जाने वाले मलबे की चपेट में कोई वस्तु न आए क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा।
पॉइंट नीमो में चारों तरफ अंधेरा होता है, जहां सूर्य तक की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहीं अंतरिक्ष से गिरने वाले तमाम मलबे और कूड़ों ने भी पॉइंट नीमो में काफी अंधकार कर रखा है, जहां किसी भी चीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष के मलबे से भरे पॉइंट नीमो में जलीय जीव मौजूद है, जिसमें आप मछली की दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां व्हेल और वाइपर फिश शामिल है। लेकिन कई बार ये जलीय जीव अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले कूड़ों की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ का वातावरण जीवन पनपने के लायक साबित होता है। पॉइंट नीमो का औसतन तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दरअसल इस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। ऐसे में समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से पॉइंट नीमो का तापमान संतुलित रहता है और जमा देने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि पॉइंट नीमो अंतरिक्ष के कूड़े का घर होने के बावजूद भी कुछ जलीय जीव और बैक्टीरियो का घर माना जाता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष में खराब हुए मलबों के साथ क्या किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और विज्ञान स्पेस के रहस्य को सुलझाने में काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में इतनी भारी संख्या में स्पेस के कूड़े को किसी एक जगह पर फेंकना क्या आपके हिसाब से ठीक है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। नजर रखी जाती है, अगर आप स्पेस में घूमने वाले सैटेलाइट की असल तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम होता है। एक सामान्य सैटेलाइट 15-20 साल की अवधि तक काम करती है और वहीं उससे बेहतर क्वालिटी की सैटेलाइट 25-30 साल तक अंतरिक्ष में घूमती है, लेकिन इसके बाद सैटेलाइट के काम करने की क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मशीन एक न एक दिन आप जरूर होती है। अंतरिक्ष में सालों साल चक्कर लगाने वाली इन सैटेलाइटों का काम खत्म होने के बाद इन्हें पृथ्वी के सुनसान इलाके में फेंक दिया जाता है, जिस जगह को पॉइंट नीमो कहा जाता है, जिसे आप सैटेलाइट का कूड़ा भी कह सकते हैं। पॉइंट नीमो दोस्तों, ये वो जगह है जहां सालों से सैटेलाइट का कूड़ा फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, जहां समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में हजारों की संख्या में खराब हो चुके सैटेलाइट मौजूद है। इस जगह पर साल 1970 के दशक से स्पेस का कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आइलैंड मौजूद नहीं है। पॉइंट नीमो के सबसे नजदीकी जमीनी हिस्सा 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको अंटार्कटिका की जमीन की सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। अब तक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन है, जिसका वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद 2024 में इसको भी पॉइंट नीमो में फेंक दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका में एक बिल पारित हुआ है जो इसके समय को 2030 तक बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इसका समय पूरा हो रहा है, इसे किसी भी समय नीचे लाना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट नीमो अपने भीतर स्पेस की कितनी गंदगी समेटे हुए है, जिसमें भारी भरकम सैटेलाइट के साथ साथ स्पेस इंटरनेशनल के मलबे भी शामिल है। स्पेस में क्यों नहीं टकराते सैटेलाइट? जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट घूमते हैं, ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये सैटेलाइट आपस में कभी टकराते क्यों नहीं है? एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर आसमान में। लेकिन अंतरिक्ष में हर तरफ इन सैटेलाइट के ट्रैफिक को बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हर स्पेस एजेंसी में सैकड़ों लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं। ऐसे में सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली टीम को ये ध्यान रखना होता है कि हर एक सैटेलाइट उचित दूरी पर चक्कर लगाए और किसी दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में दिक्कत ना करे। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर लगाती है, जो धरती की सतह से 22,237 मील यानी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये सैटेलाइट अपनी जगह से 300 किलोमीटर और ऊपर तक चक्कर लगाने तथा काम करने की क्षमता रखती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर या अचानक से सैटेलाइट की संख्या ज्यादा हो जाने पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में न आए और सालों तक अपना काम करती रहे। क्या होगा अगर अचानक से काम करना बंद कर दे सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सबसे एडवांस और आधुनिक माना जाता है, जिसकी गति और दूरी में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कई सैटेलाइट ऐसी भी होती हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट के निचले हिस्से में काम करती है और अचानक से खराब हो जाती है। इस तरह की सैटेलाइट की गति या दूरी को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय और ईंधन की खपत होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास इन खराब हुई सैटेलाइट से निपटने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि सैटेलाइट की गति को बहुत ही धीमा कर दिया जाए, ताकि जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे तो वह घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाए।
तो इस तरह सैटेलाइट में आग लगने के बाद धीमी गति से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन छोटी से छोटी सैटेलाइट को भी अपने आप जलकर नष्ट होने में लगभग 20 साल तक का लंबा समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट न हो और पहले ही पृथ्वी की सतह से जा टकराए, जिसकी वजह से इंसानी आबादी में भयानक विस्फोट और तबाही का सामना करना पड़े। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वैज्ञानिक सैटेलाइट की दिशा में परिवर्तन कर दे ताकि उसे पृथ्वी की सबसे वीरान जगह पर यानी कि पॉइंट नीमो में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सैटेलाइट की दिशा बदलने और पॉइंट नीमो में ले जाकर दफन कर देने में समय और ईंधन की खपत बहुत कम होती है और इंसानों को होने वाला खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक सैटेलाइट का अपने आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते बल्कि उसकी दिशा में बदलाव करके उसे पॉइंट नीमो में दफन कर देते हैं। लगभग हर देश का कूड़ा समेटे हुए है पॉइंट नीमो। स्पेस के इस कूड़ाघर में हर देश का अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट का ढेर सारा कूड़ा जमा है जो कि दिन ब दिन दो गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पॉइंट नीमो में रूस के 200 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट दफन है जबकि जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और यूएसए के 5 ट्रांसफर व्हीकल का कूड़ा भी यहीं फेंका गया है। इसके अलावा पॉइंट नीमो में रूस के 6 स्पेस स्टेशन भी दफन है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि पॉइंट नीमो में धरती और विज्ञान से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास दफन है जो आज मलबे का रूप ले चुका है। जब भी किसी सैटेलाइट स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाता है और उसे दफन करने के लिए पॉइंट नीमो की तरफ लाया जाता है तो उस दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष वस्तु में तेजी से घर्षण होता है जिसकी वजह से सैटेलाइट स्पेस स्टेशन या यान के कुछ हिस्से में वहां आग लग जाती है। यही कारण है कि बड़े आकार के सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट थर्मल शील्ड से बनाए जाते हैं ताकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें एकदम से आग न लगे। हालांकि थर्मल शील्ड होने के बावजूद भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें आग लग जाती है जिसकी वजह से अंतरिक्ष की कुछ वस्तुओं का कुछ हिस्सा वहीं की वहीं जल जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो में जा गिरता है। इसी तरह से अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड में भी आग लग जाती है लेकिन यह पॉइंट नीमो में गिरने की बजाय धरती के आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाता है और ऐसी चीजों पर वैज्ञानिकों का कोई काबू नहीं रहता। इसलिए उल्कापिंड के गिरने का खतरा सैटेलाइट के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहता है। पॉइंट नीमो में गिराया गया सबसे बड़ा कचरा मीर स्पेस स्टेशन है जिसका वजन तकरीबन 143 टन था। इस स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में तकरीबन 15 साल तक काम किया जिसके बाद मार्च 2001 में इसे पॉइंट नीमो में दफन कर दिया गया। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ना शुरू हो गया था। जब यह 85 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पॉइंट नीमो में गिरते गिरते इसका वजन 143 टन से घटकर सिर्फ 20 से 25 टन रह गया था जो समुद्र के 6 अलग अलग टुकड़ों में गिर गया। ऐसे में 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस पॉइंट नीमो में सालाना कई सैटेलाइट और अंतरिक्षयान फेंके जाते हैं जिन्हें इतने बड़े क्षेत्र में खोजना घास में तिनका ढूंढने जैसा प्रतीत होता है। जब किसी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को पॉइंट नीमो में गिराया जाता है तो उससे पहले चिल्ली या आसपास के देशों में मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पॉइंट नीमो के आसपास समुद्री इलाकों में जाने वाले जहाज कुछ समय के लिए रुक जाए ताकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीजों से जहाजों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही हवाई मार्ग में आने वाले हेलीकॉप्टर और प्लेन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है या उनका मार्ग बदल दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक और विभिन्न स्पेस एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है कि अंतरिक्ष से समुद्र में गिराए जाने वाले मलबे की चपेट में कोई वस्तु न आए क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा। पॉइंट नीमो में चारों तरफ अंधेरा होता है जहां सूर्य तक की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहीं अंतरिक्ष से गिरने वाले तमाम मलबे और कूड़ों ने भी पॉइंट नीमो में काफी अंधकार कर रखा है जहां किसी भी चीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष के मलबे से भरे पॉइंट नीमो में जलीय जीव मौजूद है जिसमें आप मछली की दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां व्हेल और वाइपर फिश शामिल है। लेकिन कई बार ये जलीय जीव अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले कूड़ों की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं लेकिन के लिए यहाँ का वातावरण जीवन पनपने के लायक साबित होता है। पॉइंट नीमो का औसतन तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दरअसल इस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। ऐसे में समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से पॉइंट नीमो का तापमान संतुलित रहता है और जमा देने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि पॉइंट नीमो अंतरिक्ष के कूड़े का घर होने के बावजूद भी कुछ जलीय जीव और बैक्टीरियो का घर माना जाता है। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष में खराब हुए मलबों के साथ क्या किया जाता है।
इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और विज्ञान स्पेस के रहस्य को सुलझाने में काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में इतनी भारी संख्या में स्पेस के कूड़े को किसी एक जगह पर फेंकना क्या आपके हिसाब से ठीक है? सैटेलाइट का कूड़ा फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, जहां समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर की गहराई में हजारों की संख्या में खराब हो चुके सैटेलाइट मौजूद है। इस जगह पर साल 1970 के दशक से स्पेस का कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आइलैंड मौजूद नहीं है। पॉइंट नीमो के सबसे नजदीकी जमीनी हिस्सा 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको अंटार्कटिका की जमीन की सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। अब तक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन है, जिसका वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद 2024 में इसको भी पॉइंट नीमो में फेंक दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका में एक बिल पारित हुआ है जो इसके समय को 2030 तक बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इसका समय पूरा हो रहा है, इसे किसी भी समय नीचे लाना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट नीमो अपने भीतर स्पेस की कितनी गंदगी समेटे हुए है, जिसमें भारी भरकम सैटेलाइट के साथ साथ स्पेस इंटरनेशनल के मलबे भी शामिल है। स्पेस में क्यों नहीं टकराते सैटेलाइट? जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट घूमते हैं, ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये सैटेलाइट आपस में कभी टकराते क्यों नहीं है। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर आसमान में, लेकिन अंतरिक्ष में हर तरफ इन सैटेलाइट के ट्रैफिक को बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हर स्पेस एजेंसी में सैकड़ों लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं। ऐसे में सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली टीम को ये ध्यान रखना होता है कि हर एक सैटेलाइट उचित दूरी पर चक्कर लगाए और किसी दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में दिक्कत ना करे। अंतरिक्ष में सबसे ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर लगाती है, जो धरती की सतह से 22,237 मील यानी 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये सैटेलाइट अपनी जगह से 300 किलोमीटर और ऊपर तक चक्कर लगाने तथा काम करने की क्षमता रखती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर या अचानक से सैटेलाइट की संख्या ज्यादा हो जाने पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि दूसरी सैटेलाइट के रास्ते में न आए और सालों तक अपना काम करती रहे। क्या होगा अगर अचानक से काम करना बंद कर दे सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सबसे एडवांस और आधुनिक माना जाता है, जिसकी गति और दूरी में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कई सैटेलाइट ऐसी भी होती हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट के निचले हिस्से में काम करती है और अचानक से खराब हो जाती है। इस तरह की सैटेलाइट की गति या दूरी को ऊपर नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय और ईंधन की खपत होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास इन खराब हुई सैटेलाइट से निपटने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि सैटेलाइट की गति को बहुत ही धीमा कर दिया जाए, ताकि जब वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करे तो वह घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाए। तो इस तरह सैटेलाइट में आग लगने के बाद धीमी गति से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन छोटी से छोटी सैटेलाइट को भी अपने आप जलकर नष्ट होने में लगभग 20 साल तक का लंबा समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट न हो और पहले ही पृथ्वी की सतह से जा टकराए, जिसकी वजह से इंसानी आबादी में भयानक विस्फोट और तबाही का सामना करना पड़े। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि वैज्ञानिक सैटेलाइट की दिशा में परिवर्तन कर दे, ताकि उसे पृथ्वी की सबसे वीरान जगह पर यानी कि पॉइंट नीमो में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सैटेलाइट की दिशा बदलने और पॉइंट नीमो में ले जाकर दफन कर देने में समय और ईंधन की खपत बहुत कम होती है और इंसानों को होने वाला खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक सैटेलाइट का अपने आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसकी दिशा में बदलाव करके उसे पॉइंट नीमो में दफन कर देते हैं। लगभग हर देश का कूड़ा समेटे हुए है पॉइंट नीमो। स्पेस के इस कूड़ाघर में हर देश का अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट का ढेर सारा कूड़ा जमा है, जो कि दिन ब दिन दोगुना स्पीड से बढ़ रहा है। पॉइंट नीमो में रूस के 200 से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट दफन है, जबकि जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और यूएसए के 5 ट्रांसफर व्हीकल का कूड़ा भी यहीं फेंका गया है। इसके अलावा पॉइंट नीमो में रूस के 6 स्पेस स्टेशन भी दफन है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि पॉइंट नीमो में धरती और विज्ञान से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास दफन है, जो आज मलबे का रूप ले चुका है। जब भी किसी सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाता है और उसे दफन करने के लिए पॉइंट नीमो की तरफ लाया जाता है, तो उस दौरान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष वस्तु में तेजी से घर्षण होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या यान के कुछ हिस्से में वहां आग लग जाती है। यही कारण है कि बड़े आकार के सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट थर्मल शील्ड से बनाए जाते हैं, ताकि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें एकदम से आग न लगे। हालांकि थर्मल शील्ड होने के बावजूद भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के साथ ही उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष की कुछ वस्तुओं का कुछ हिस्सा वहीं की वहीं जल जाता है।
और बाकी बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो में जा गिरता है। इसी तरह से अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड में भी आग लग जाती है, लेकिन यह पॉइंट नीमो में गिरने की वजह धरती के आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाता है और ऐसी चीजों पर वैज्ञानिकों का कोई काबू नहीं रहता, इसलिए उल्कापिंड के गिरने का खतरा सैटेलाइट के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहता है। पॉइंट नीमो में गिराया गया सबसे बड़ा कचरा मीर स्पेस स्टेशन है, जिसका वजन तकरीबन 143 टन था। इस स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में तकरीबन 15 साल तक काम किया, जिसके बाद मार्च 2001 में इसे पॉइंट नीमो में दफन कर दिया गया। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 95 किलोमीटर की दूरी पर ही उड़ना शुरू हो गया था। जब यह 85 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पॉइंट नीमो में गिरते गिरते इसका वजन 143 टन से घटकर सिर्फ 20 से 25 टन रह गया था, जो समुद्र के 6 अलग अलग टुकड़ों में गिर गया। ऐसे में 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस पॉइंट नीमो में सालाना कई सैटेलाइट और अंतरिक्षयान फेंके जाते हैं, जिन्हें इतने बड़े क्षेत्र में खोजना घास में तिनका ढूंढने जैसा प्रतीत होता है। जब किसी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को पॉइंट नीमो में गिराया जाता है तो उससे पहले चिली या आसपास के देशों में मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पॉइंट नीमो के आसपास समुद्री इलाकों में जाने वाले जहाज कुछ समय के लिए रुक जाए, ताकि अंतरिक्ष से गिरने वाली चीजों से जहाजों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही हवाई मार्ग में आने वाले हेलीकॉप्टर और प्लेन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है या उनका मार्ग बदल दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक और विभिन्न स्पेस एजेंसी इस बात का ध्यान रखती है कि अंतरिक्ष से समुद्र में गिराए जाने वाले मलबे की चपेट में कोई वस्तु न आए, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा। पॉइंट नीमो में चारों तरफ अंधेरा होता है, जहां सूर्य तक की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहीं अंतरिक्ष से गिरने वाले तमाम मलबे और कूड़ों ने भी पॉइंट नीमो में काफी अंधकार कर रखा है, जहां किसी भी चीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष के मलबे से भरे पॉइंट नीमो में जलीय जीव मौजूद है, जिसमें आप मछली की दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां व्हेल और वाइपर फिश शामिल है। लेकिन कई बार ये जलीय जीव अंतरिक्ष से गिराए जाने वाले कूड़ों की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ का वातावरण जीवन पनपने के लायक साबित होता है। पॉइंट नीमो का औसतन तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दरअसल इस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है, ऐसे में समय समय पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से पॉइंट नीमो का तापमान संतुलित रहता है और जमा देने वाली स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि पॉइंट नीमो अंतरिक्ष के कूड़े का घर होने के बावजूद भी कुछ जलीय जीव और बैक्टीरियो का घर माना जाता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष में खराब हुए मलबों के साथ क्या किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और विज्ञान स्पेस के रहस्य को सुलझाने में काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में इतनी भारी संख्या में स्पेस के कूड़े को किसी एक जगह पर फेंकना क्या आपके हिसाब से ठीक है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।